हर बार जब मैं कोई वीडियो डालता हूँ मुझे एक ही क्वेश्चन मिलता है, कौन सा एम्पलीफायर बोर्ड खरीदूं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मेरी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस पर है। और ये सिर्फ एक क्वेश्चन ही नहीं, एक ज़रूरत भी है, एक ऐसा एम्पलीफायर बोर्ड खरीदना जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो और साथ ही साथ वो एक पॉकेट फ्रेंडली भी हो। वैसे तो मैंने बहुत सारे बोर्ड्स की साउंड टेस्टिंग की है और उन्हीं में से मुझे एक बोर्ड पसंद आया है जिसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और साथ ही साथ वो आपके बजट में भी होने वाला है। सो मीट दिस 200 वॉट एम्पलीफायर बोर्ड। जिसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैसे देखने में ये बोर्ड उतना खास नहीं है लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी इसे खास बनाती है। दोस्तों इस बोर्ड के अंदर आपको चार ट्रांजिस्टर देखने को मिलते हैं। ये BJT ट्रांजिस्टर्स हैं जिसकी फुल फॉर्म है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। काफ़ी लोग इसे MOSFET भी कहते हैं बट ये एक MOSFET नहीं, ये एक ट्रांजिस्टर है। दोस्तों इसके अंदर दो पेयर यूज़ किए गए हैं। एक पेयर आपका 1943 है जिसका पूरा नाम है 2SA1943 और दूसरा जो पेयर है वो 2SC5200। दोस्तों इस बोर्ड के अंदर PNP और NPN ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। जो 5200 वाला ट्रांजिस्टर है वो हमारा NPN ट्रांजिस्टर है और साथ ही साथ जो 1943 वाला ट्रांजिस्टर है वो हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। तो इसमें 5200 वाला ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो पॉजिटिव ऑडियो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है और साथ ही साथ जो 1943 वाला ट्रांजिस्टर है वो नेगेटिव ऑडियो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है।